हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है थर्सडे और आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। कल का मेरा व्लॉग देखा, मैं गई थी टेस्ट ड्राइव देने के लिए और स्कूटी लेनी है मुझे, तो अच्छी देखी थी। गए थे तो हम प्लेजर लेने, लेकिन वहाँ पे देखा तो डेस्टिनी हमें बहुत अच्छी लगी और वाइट कलर भी था, तो मुझे बहुत दिन से वाइट कलर की गाड़ी ही लेनी थी, तो बहुत अच्छी लगी। उसका टेस्ट ड्राइव दिया, सब फाइनल भी कर दिया और घर आके भाई को बोला। तो पहले मैंने हीरो होंडा शोरूम से ली थी पहली मेरी प्लेजर, तो उसकी वजह से वो मुझे 3,000 का लॉयल्टी डिस्काउंट दे रहा था और 1,000 और कुछ डिस्काउंट दे रहा था। तो फिर मैंने भाई को बोला, तो भाई ने दूसरी जगह भी इंक्वायरी की, तो दूसरी जगह इंक्वायरी की तो फिर उसके बाद वो लोग मुझे 75,000 में ऐसे ही दे रहे विदाउट लॉयल्टी बोनस, तो इसने मुझे कम करना चाहिए ना। तो फिर मैंने कल वेट किया, शायद उसका फोन आ जाए, क्योंकि अगर मैंने उसको बोल के आई थी शोरूम वाले को कि मैं कल आती हूँ बुकिंग करने के लिए, और फिर भाई ने बोला चल ये गाड़ी को थोड़ा सा चालू तो कर लेते, मतलब उसको प्रॉपर करवा के लाता हूँ। और भाई का सर्विस स्टेशन भी है ना, तो भाई लेके गया और चालू अच्छे से गाड़ी करवा के लेके आया, तो वापस से मेरा थोड़ा सा डिले हो गया है गाड़ी लेने का काम। तो देखते हैं क्या करती हूँ मैं। तो उस तरह से गाइस कल का दिन तो निकल गया सोच सोच में कब आगे क्या करना है। अब देखते हैं कैसे क्या करना है। और मुझे सब लोग पूछते हैं मेरा रिबॉन्डिंग वाले बाल, रिबॉन्डिंग वाले। तो गाइस देखिए मेरे रिबॉन्डिंग वाले बाल प्रॉपर है, अभी मैंने कोई भी आइनिंग वगैरह नहीं किया है, पर ये पूरे स्ट्रेट है। पर मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना तो थोड़ा मैसी लुक देती हूँ, मुझे मैसी लुक अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उसको बाल बनाती नहीं और ऐसे ये कर लेती हूँ इधर से उधर करके, तो थोड़ा सा वो कर्ली बना आ जाता है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि मेरे बाल का स्ट्रेटनिंग चला गया है। तो गाइस स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे से रहा है, उसको स्ट्रेट रख, देखिए ये देखिए बहुत अच्छे से रहा है इसको। आज कितना 6 महीना तो होने को है, हाँ 6 महीने से ज्यादा हो गया, पर मेरा स्ट्रेटनिंग अच्छे से रहा है, अभी तक अच्छा रहा है। तो आप स्क्वॉश शॉप की स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज कीजिए, मेरा रिबॉन्डिंग वाला वीडियो देखिए और कैसे करने का घर पे वो देखिए। देखिए बाल का टेक्सचर अभी भी वैसा ही है जैसा स्ट्रेट किया था और एकदम स्मूथ और अच्छा है, इसमें ना आयनिंग करने की जरूरत पड़ती है ना कुछ। तो गाइस चलिए मुझे अभी पोथी पढ़नी है, आज गुरुवार है तो वैभव महालक्ष्मी व्रत है मेरा, तो अभी मैं वो स्टोरी पढ़ूंगी और फिर पार्लर के लिए निकलूंगी। और बहुत लेट हो गया है, सच में बहुत लेट हो गया है, तो 10:30 बज गए, अब पता नहीं कितने बजे निकलूंगी मैं पार्लर के लिए, ऑलवेज लेट हो जाती हूँ। और अतिथि भी रेडी हो गई है, देखिए आज पिंक कलर का उसने ये किया है और मैंने थोड़ा सा ये ड्रेस में रेड कलर का है तो रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है। तो गाइज आपका कंफ्यूजन दूर हुआ ना मेरे स्ट्रेटनिंग वाले बालों का, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपके बालों का फोटो वगैरह दिखाइए, तो आना बेटा। और अतिथि ने देखिए कितना अच्छा टॉप पहना है, इसकी स्लीव्स भी कितनी मस्त है। ये टॉप ना हम लोग ने लास्ट टाइम मीरा जोगन से लिया था, बहुत अच्छा है देखिए। और अतिथि का मेकअप दिखाती हूँ मैं, देखिए आईज का मेकअप दिखा है ना गाइज। और एक कान में ना रात को उसके जा नहीं रहा है, एक कान में पहना है और एक कान में जा नहीं रहा है, होल थोड़ा सा ये हो गया है, तो अब देखते हैं मैं पार्लर पे जाके उसको दूसरे कान का पहनाऊंगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं, आगे हम लोग क्या क्या करते हैं वो आपको दिखाऊंगी, पर मेरा वो डेस्टिनी वाला वीडियो जरूर से देखना, बाइक का राइड वाला, और मुझे बताओ कमेंट्स करके कि कौन सा अच्छा है। और गाइस मुझे 2-3 कमेंट आया कि जुपिटर लो या इलेक्ट्रॉनिक बाइक लो, पर वो इलेक्ट्रॉनिक वाली बाइक नहीं चाहिए गाइस, उसको बार बार चार्जिंग करने का मगजमारी रहता है। और एक्टिवा और जुपिटर ना थोड़ा सा मतलब अभी नया जो निकलेगा वो लेंगे ना हम, पुराना क्यों लेंगे। तो देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ। भाई ने गाड़ी तो बहुत फर्स्ट क्लास बना के लेके आ गया मेरी प्लेजर, एकदम पॉलिशिंग वगैरह करवा के भाई को लगा ये खर्चा करेगी अभी, इसको पहले कंट्रोल में लो तो हम लोग फिर देखते हैं अब आगे क्या कर रहे हैं। तो अतिथि आपको कुछ बोलना है मेरी व्यूअर से? हाय बोल रही है, और कुछ बोलिए। तो गाइस अतिथि ना आपको एक मेकअप बताएगी, बताओगी ना? हाँ, तो अतिथि आपको एक अच्छा सा मेकअप बताएगी 31st के लिए, तो हम लोग उसके लिए ट्राई करेंगे। पर गाइस हम लोग रोज रात को ना 11 बजे आते हैं, तो
तो उसके बाद ना हमारी पूरी हालत खराब होती, हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ठीक है, अतिथि ट्राई करेगी, अतिथि का मेकअप बहुत अच्छा रहता है और सारा रशिया का उसके पास बहुत सारा सामान है ना, तो आपको दिखाएगी कि इम्पोर्टेड सामान से आप कैसे मेकअप कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ और निकलती हूँ पार्लर के लिए और फिर आगे आपको मिलती हूँ। ओके, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और एंजॉय कीजिए। और आप क्या क्या कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए गाइस, आपके कमेंट नहीं आते मैं कैसे आपके साथ कन्वर्सेशन करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करने को, पर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगी ना। और देखिए मेरे कमेंट्स देखिए, मैं हर किसी को रिप्लाई देती हूँ, एक भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो गाइज आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आपके आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, मुझसे बात कीजिए तो हम दोस्त बन जाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं पार्लर पे, बहुत बकबक कर ली मैंने और लाइट गई अभी। चलिए अब मैं निकलती हूँ पार्लर पे, आगे आके मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। ओके, तो गाइस ये मैं पूजा मान चुकी हूँ और अभी पोथी पढ़ लेती हूँ और आरती कर लेती हूँ। शतल भक्त जनों सांभ लक्ष्मी श्री लक्ष्मी व्रतनी गुरुवारनी कथा कथा सांभळीने शुं थाय छे, दुख दारिद्र दूर थाय छे, श्री लक्ष्मी सावित्री गोलोक मां राधिका वृंदावन मां राशेश्वरी चंद्रवन मां चंद्रा चंपकोण मां विजय पद्मवन मां मालती माती वन मां मालती कुंदन वन मां कुंदनी केते कु लक्ष्मी लॉन्ग एकदम ये तीन मिनट नॉर्मल कितना साइज है इसका और ये पाउडर बेसिंग पाउडर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कल तो पूरा दिन चला गया और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। रात को जो मटेरियल लिया मैंने पार्लर के लिए वही थोड़ा बहुत शूट किया और खाना लिया, हम लोग ने बहुत अच्छा खाना लिया था कल, पाव भाजी ली थी और डोसा लिया था। और कल देखा ना आपने मैंने पूजा की थी गुरुवार की और भगवान के लिए घर पे खाना बनाना था, लेकिन मुझे पार्लर पे 11 बज गए थे। और मेरे पार्लर पे ना गाइस इवनिंग में मतलब नाइट में बहुत रश हो जाता है, जब ऑफिस से सब लोग आते हैं ना तो ऑफिस से आते आते वो लोग पार्लर में आते हैं, तो भले दिन भर रश ना हो लेकिन नाइट में सब करते करते मुझे लेट हो जाता है। तो 11 बज गए थे, फिर जैसे वैसे मुझे मटेरियल लेना था तो लकीली मटेरियल वाली की शॉप आजकल सीजन है तो खुली थी, तो वहाँ से मैंने मटेरियल सारा ले लिया और खाना लेके हम लोग घर पे आए। और खाना लेते वक्त भी मैं शूट करने वाली थी पर आजकल अतिथि रहती है तो बातें करने में हम सब कुछ भूल ही जाते हैं। तो रात को मैंने पाव भाजी लिया और डोसा लिया, गाइस इतना टेस्टी था। और एक्चुअल में घर पे खाना बनाने का था क्योंकि देवी मांडी हुई थी तो देवी को घर का खाना खिलाने का रहता है क्योंकि उसमें कांदा लहसुन नहीं पड़ता है। पर अब रात को 11 बजे आके मेरे में ताकत नहीं थी मैं कुछ खाना बनाऊँ, तो और मेरी अतिथि से बात हुई तो अतिथि बोलती अपने भगवान तो सब कुछ खाते हैं, कांदा लहसुन वाला भी खाना खा लेंगे कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग ने पाव भाजी और डोसा ले लिया था और वही प्रसाद चढ़ा दिया भगवान को नैवेद्य और वही खाना खा लिया था। तो और उसके बाद अब मॉर्निंग हुई है। और कल क्या हुआ था गाइस, मैंने इतना अच्छा हेयर स्टाइल सिखाया मेरे स्टूडेंट लोगों को ले और वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, पर मैं ना वो भी शूट करना भूल गई थी। तो आज देखूंगी, आज फिर से मैं वो शायद तो शूट करूँ या कुछ और आपके लिए करके दिखाऊंगी। और बस अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए और बज गए 10:30, मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस इंक्वायरी करने के लिए कि मेरा पिन आया है कि नहीं आया है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट तो डाल दी है सेकंड पिन के लिए और 7 दिन में आना चाहिए। तो अब मैं देख लेती हूँ, मेरा घर ना लॉक रहता है ना उसकी वजह से ना गाइज पोस्टमैन, लेकिन फिर भी पोस्टमैन को मैंने कितना बोल के रखा है कि लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया कर, पर उसका तो पता है ना उन लोग को इतना याद नहीं रहता है। तो ठीक है, तो लकीली अब घर पे
सब रहने को आए हैं तो ससुराल वाले, तो उसकी वजह से ऐसा टेंशन नहीं आएगा। अभी 7-8 दिन तो बराबर से लेटर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, इस तरह से मेरा दिन की शुरुआत आज हो रही है और देखते हैं आगे क्या क्या करती हूँ मैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ओके? तो चलिए मैं आपको अतिथि से भी मिलवा देती हूँ। हाय। तो गाइस मिली अतिथि से, और आप सभी को हम दोनों की ओर से गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आगे आगे हम मिलेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। तो चलिए अब मैं निकल रही हूँ पार्लर पे, और अतिथि ने तैयार हो गई है। इस तरह से उसने मेकअप किया है, आईलाइनर लगाया, आँख बंद करो, आईलाइनर लगा लिया है इस तरह से। और मेरे आईलाइनर नहीं लगा पाती मैं, मुझे ना आपको पता है मैं, मुझे खुजली आती है। पर गाइस मैंने कल ना एक, ये कौन सा था बेटा, शुगर का ये जो पेंसिल आईलाइनर था ब्लू कलर का, ये देखिए मेरे हाथ पे आपको दिख रहा है, अभी मैंने शावर लिया फिर भी ये गया नहीं है। तो उसका मैंने ये जाएगा मेकअप रिमूवर से, ऐसे जा नहीं रहा है। ब्लू कलर का पेंसिल आईलाइनर था तो मैं वो लेने वाली हूँ, और अगर लूंगी तो रिव्यू करूंगी आपके साथ, ओके? तो चलिए मिलते हैं पार्लर पे जाके, अब मुझे बहुत बहुत लेट हो गया है फ्रेंड्स। तो गाइस हम अभी एक नई वाली हेयर स्टाइल सीखते हैं। ये वाली हेयर स्टाइल मैंने कम्युनिटी टैब पे डाली थी, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपको ये वाली हेयर स्टाइल सिखाऊं। तो कल मेरे क्लास वाले प्रैक्टिस कर रहे थे पर मैं भूल गई, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं भूल गई वीडियो निकालना, तो आज मैं फिर से फटाक से थोड़ा सा वीडियो निकाल के आपको बता देती हूँ। स्टडी रख कैमरा, शेक मत कर बार बार इधर से उधर। आगे आपको चाहिए उस तरह से आप पफ ले सकते हो, फ्रेंच प्लीट्स बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इस तरह से रबर टाई कर देना है, और इसके दो पार्ट कर लेने हैं, और सिंपल सी अपने चोटी बनाना स्टार्ट करना है। और हर एक प्लीट में साइड से बाल लेते जाना है। वन साइड से बाल लेंगे हम, ये दिख रहा है यहाँ से मैं बाल ले रही हूँ, नहीं तो ये साइड आ जाओ। ओके, एक रबर है ना छोटा वाला आपके पास हाथ में, बस इस तरह से हमने ये छोटी बनाई है, उसके बाद ये साइड भी बनाएंगे। यहाँ से पीछे से हमने हर पार्ट में लेते जाना है, जैसे उस तरफ बनाई है ना इसी तरह इधर भी बनाएंगे। बहुत लूज और बहुत टाइट नहीं करना है, ओके? Thank you.
अंजल फोन तेरा टैप हो रहा है, मेरी मॉडल को फोन आया है पर उसको कंट्रोल नहीं है कि मैं बात थोड़ी देर नहीं करूं। आजकल की लड़कियां बोलो तो पूछो मत। तो इस तरह से दो चोटी बना ली है मैंने, थोड़ा सा पास से दी। अब ये रबर लगा देंगे हम। इस तरह से, और इसको यहाँ पे हम पिंस मार देंगे। पूजा वहां से पिंस देना, और इस तरह से हमारा पिनअप हो गया। अब ये दोनों चोटियों का इस तरह से पार्ट लेके हमने इसके आइनिंग किए हुए बाल है ना, यू पिन भी चाहिए मुझे। तो गाइस इस तरह से हमारा ये हेयर स्टाइल आ गया है पूरा, और दिखने में भी मस्त लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे। तो गाइज इस तरह से हेयरस्टाइल बहुत अच्छे से बैठ जाता है, और इसके ऊपर आप ऐसे साइड पे गजरा वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। हमें तो उसने टैटू खिंचवा लिया है ना, ऐसा तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मंदिर से मैं कुछ लेके जाऊं। पंडित जी ऐसा कुछ मैं सोची थी, क्योंकि सोमनाथ मंदिर ना जो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में आता है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में गुजरात में एक है तो वैसे 12 जगह पे, लेकिन गुजरात में जो है ये सोमनाथ मंदिर श्रावण का सोमवार वो भी शिव मंदिर बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के समझ के बाहर है। तो पर बच्चा ही मिला टैटू निकालने वाला, मंदिर के अंदर कर रहा था ना, बाहर जो टैटू लोग फैशन में बनवा रहे थे वो बाहर थे दुकान में, अच्छे थे बड़े। हाँ तो उनके पास से बनाना तो तेरा बिगाड़ता नहीं, नहीं ना? ना मुझे मंदिर के अंदर से चाहिए था। अच्छा आपसे थोड़ी ना, मैं फैशन बस थोड़ी ना ली, वो अपनी श्रद्धा बस ली मैंने करवाया। तो पंडित जी आप बताइए मुझे जल्दी से, बताइए मेरा यूट्यूब कब चलेगा? बहुत ज्यादा बहुत जल्द चलेगा और अच्छे से चलेगा, आप ऐसे ही ध्यान दीजिए और करते रहिए। तो देखिए ये पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी आपने मुगिंग मैंने अतिथि को बाहर भेजा देखने के लिए कि देख वो कितना स्टाइल मार रही है। देखी मैंने देखी, और पांच टाके आए हैं फिर भी कुछ ये नहीं कि अपन शूज कंफर्टेबल पहनो स्कूटी से कैसे गिर ना जाए। खुश हुआ वाला आदमी, बहुत भारी है और शूज भी बहुत भारी डाले हैं। अरे उसका पैर पर टेढ़ा करना, उसको खड़े करके नहीं, हाँ खड़े खड़े
पंडित जी का कोई। तो गाइस कल मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ और इसके लिए मैंने अभी से रात को ही साबुदाना भिगा दिया है। कल साबुदाना खिचड़ी मेरी फेवरेट है, मेरी भी। और गाइस अब मेरे कुकर की सीटी बज रही है, तो गाइस मेरा खाना बन रहा है और कुकर में मैंने सेकटे की सींग, आप लोग क्या बोलते हो क्या मालूम, वो लंबी लंबी सींग आती है ना जो सांभर में पड़ती है, उसका सब्जी बनाया है और राइस बनाया है। और अभी तो मॉर्निंग से मैं अभी मिल रही हूँ आपसे, तो पूरा मेरा फेस तो टायर्ड हो ही गया है। तो चलिए गाइस हम लोग पहले खाना खाते हैं। खाना बन चुका है, सैलेड मैंने काट लिया है और बस सेंग और भाजी। ठंडी बहुत है ना बाहर, तो अभी हम लोग आए तो पूरा मैंने सोचा आज गरम गरम खाना खाते हैं। और गाइस वो सीढ़ी दिख रही है ना, वो ऊपर की तरफ जाती है मेरे घर की, तो चलिए खाना खा लेते हैं। ओके, सैलेड मैंने काट लिया है और उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला है। तो गाइस खाना रेडी है, गरम गरम देखिए धुआं कैसे निकल रहा है, साथ में सैलेड और पापड़। तो चलिए गाइस आप भी आइए हमारे साथ खाना खाने। तो गाइस खाना हो गया है और अब हम लेंगे कुल्फी का मजा। ये कुल्फी हमने ली है 20 रुपीज की, एक दो कुल्फी ली है मेरे और अतिथि के लिए। तो गाइस चलिए कुल्फी खाते हैं। तो गाइस कुल्फी खा लिया है और बहुत टेस्टी कुल्फी थी। ये कुल्फी वहाँ से ली थी जहाँ से वो रबड़ी ली थी ना, मटका कुल्फी, मटका रबड़ी, वहीं से ये कुल्फी ली है। कुल्फी बहुत अच्छी है। और गाइस अब इतनी थक गई हूँ ना, 12:15 बजने को आया है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए गाइस। लाइक कीजिए, लाइक के पैसे नहीं लगते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन रहता है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको क्लिक कीजिए। और बाजू में बेल आइकन आएगी तो उसको भी क्लिक करेंगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और हेयर स्टाइल कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट।